दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़, और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र फॉर्म एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं और इसमें हिंदी का फॉन्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके ही बराबर में जो बेल बटन होता है, बेल आइकन का बटन, उसको प्रेस ज़रूर करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। वीडियो को पूरा देखें, तभी इस वीडियो को आप सीख पाएंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट को आप सीख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें आप। तो मैं शुरू करता हूँ। देखें, इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ, ये फॉर्म है हमारे पास। अब इस फॉर्म में क्या सेटिंग करनी है, इसमें हमें जो यूज़ करेंगे हम वो मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो इस समय मेरे जो सिस्टम है इसमें विंडो 8.1 है, तो मैं आपको विंडो 8 या 10 या 8 की ही सेटिंग बता पाऊँगा। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आ जाते हैं हम यहाँ पे, करते हैं राइट क्लिक, आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जब आप आएंगे तो कैटेगरी को, अगर आपका ये इस टाइप से आ रहे हैं तो इसको स्मॉल आइकन कर लेने हैं आपने। स्मॉल आइकन करने के बाद इसमें आना है हमने लैंग्वेज में। लैंग्वेज में हमने ऐड लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज कौन सी ऐड करनी है, यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम नीचे। हिंदी, जब हिंदी आ जाए, हिंदी है, गुजराती है, जो भी है आपकी लैंग्वेज, वो आपने यहाँ से ऐड करने है। इसको सिंपल ऐड कर लेना। ऐड हो रही है लैंग्वेज। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक हिंदी और इंग्लिश दो तरह से बन के आ गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने लैंग्वेज ऐड कर ली है यहाँ से। अब आपने आ जाना है रीजनल रीजन में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, या मैच विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज, इसे भी रहने देंगे आप, बल्कि मैं इसको ले लेता हूँ हिंदी, हिंदी इंडिया। तो इससे क्या होगा कि सोमवार मंगलवार आपके उसी तरह से लिखे हुए आएंगे। अब चलते हैं हम इसको थोड़ा, तो देखें मैं ये यूज़र फॉर्म खोल लिया। अब इस यूज़र फॉर्म में मैं एक एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। देखें, यहाँ पे डेट भी आ रही है और यहाँ क्रम संख्या आ रही है। यहाँ पे अब हम कुछ एंट्री करते हैं। उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ से लैंग्वेज में क्लिक करेंगे, इसको लेंगे हम हिंदी। नाम लिख लिया मैंने,
तो ये मैंने डाटा ले लिया है, अब इसको डाटा अंकित करें। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसका फिलहाल मैं इसका थोड़ा फॉन्ट जो है वो सही कर लेता हूँ, साइज कम आ रहा है। तो आपने देखा ये डाटा यहाँ पर ऐड हो गया हमारा हिंदी के फॉन्ट में। तो इसको हमने कैसे बनाया, क्या क्या करना पड़ेगा, ये इसका पूरा प्रोसेस है। मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेवलपर टैब। हमने लैंग्वेज की सेटिंग करी अभी तक, डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर नहीं है तो फाइल में आए, ऑप्शन में आए और यहाँ से कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से आपने डेवलपर टैब लगाना है और इसको ओके कर लेना। तो ये आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से, डेवलपर टैब में आए आप, विजुअल बेसिक में आ गए। विजुअल बेसिक में जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक फॉर्म बना रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, एक यूज़र फॉर्म लूँगा। अब यूज़र फॉर्म ले लिया मैंने, इंसर्ट कर लिया। तो ये यूज़र फॉर्म का नाम हो गया टू, वन वाला ये है, टू वाला ये है। अब इसके अंदर मैं फ़िलहाल आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आप उसके कॉलम उसी हिसाब से बढ़ा लेना। फ़िलहाल मैंने एक यहाँ पर लिया, ये हो गया, और इसके बाद ये लिया नाम। अब मैं एक बार एक्सेल में चल के देखता हूँ, क्रम संख्या दिनांक नाम, तीन चीज़ें ले लेते हैं, क्रम संख्या दिनांक और नाम। अब हमने करना यह है कि हमने ये देख लेना कि हमारी यहाँ से लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर हिंदी नहीं है तो वो इंग्लिश में काम करेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसमें क्लिक करना है और इसके कैप्शन में आ जाना है। चाहे तो आप यहाँ कैप्शन में भी नाम बदल सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पर एक बार और क्लिक, सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से मतलब एडिट के लिए आ जाएगा। क्या बनाया, हलन से काटा रे, और मैं क्रम क्रम संख्या, और एक बार क्लिक करना है, तिथि या दिनांक कर सकते हो आप। यहाँ पे आपने ले लिया नाम, ये चीज़ें ले लिया आपने। अब हमने करना यह है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। ये है हमारे टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, और एक ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। तो हमने यहाँ पे तीन टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। फिलहाल मैं इनको थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। अब हम इसमें क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम है। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री। हमने करना क्या है, यहाँ से आपने कमांड बटन में आए, इसको उठा के आपने यहाँ रख लेना। ये ध्यान देना है, ये कमांड बटन, ये टैप स्प्रिट अलग है। तो हमने यहाँ से एक कमांड बटन ये ले लिया, और इसके बाद एक कमांड बटन और ले लिया। फिर इसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इधर लेना है, एक कमांड बटन ये ले लिया, और एक कमांड बटन आपने ये ले लिया। तो ये हो गया हमारा एक यूज़र फॉर्म तैयार। अब नंबर आता है इसकी, इसके भी आपने नाम बदल लेने हैं। इसका नाम आपने रख दिया, जैसे मैंने दूसरे का नाम क्या रखा था, डाटा अंकित करें, दोबारा शुरू करें, बंद करें, खोजें, संशोधन करें। तो मैं इसका नाम, इसको मैं शॉर्ट में ही कर देता हूँ, अंकित करें,
दोबारा खोलें। बंद करें। खोजें यानी कुछ सर्च करना आपने, और इसका नाम हो गया संशोधन करें। संशोधन करें ये हो गया। अब आप चाहें तो इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया आपने, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है यहाँ पे। यहाँ से हम नीचे आएंगे, फॉन्ट में आ जाएंगे। फॉन्ट का हम अपने हिसाब से फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो खुल के आएगी। यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर लेना है, 10 साइज ले लेना है, तो आप देखेंगे बड़े में आ गया। सेम प्रोसेस इसमें भी यही है, चाहे तो इसमें भी कंट्रोल के साथ क्लिक कर लें। सब सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर आए बोल्ड 10 साइज, ये ले लिया आपने। ऊपर जो इसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है यूज़र फॉर्म में, तो यूज़र फॉर्म में क्लिक करके यानी यहाँ पे क्लिक करके तब ये नाम हटा देना, तो ये ऊपर से नाम भी नहीं आएगा। तो देखें ये यूज़र फॉर्म हमारा आ गया। अब हम चाह रहे हैं इसमें क्रम संख्या ऑटोमेटिक आए, तिथि ऑटोमेटिक आए, नाम हम भरें और उसको अंकित करें। दोबारा खोलें, बंद करें, खोजें, संशोधन करें। अब हमें इसमें काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज जो है, अब आप हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, जो भी पंजाबी लैंग्वेज है उसमें भी ले सकते हैं आप। तरीका यही है, बस उसका फॉन्ट आपको वही ऐड करना पड़ेगा। इंग्लिश ले लिया मैंने, इसमें मैंने डबल क्लिक किया, अंकित करें। देखें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जब भी हम खोलें इसमें ऑटोमेटिक डाटा आए। अब क्रम संख्या में कौन सा डाटा आएगा, हम चाह रहे हैं क्रम संख्या में ये वाला डाटा आएगा, यानी यहाँ के बाद आएगा। तो हम इसमें यूज़र फॉर्म में बीच में कहीं पर भी जो खाली जगह है उसमें डबल क्लिक करेंगे। यूज़र फॉर्म क्लिक आ गया, यूज़र फॉर्म को यहाँ से करेंगे हम इनिशियलाइज और क्लिक वाले को हटा देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इनिशियलाइज करते समय, क्योंकि हमारा जो था टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे क्रम संख्या लेना तो एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और दिनांक लेनी तो डेट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 बराबर एप्लीकेशन डॉट, अब इसमें देखें आप यहाँ पे एक विंडो और खुल के आएगी, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटा ब्रैकेट। अब जो ये हमारी शीट कौन सी है, जो हमारी बैकग्राउंड में शीट चल रही है, जिसका हमें करना है, ये शीट है क्रम संख्या और इसकी शीट का नाम है शीट 1। तो हम चाह रहे हैं शीट 1 की A6 से लेके और A1000 तक को ये काउंट करें। शीट 1 की रेंज A6, छोटे बड़े से कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो देखें आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, इसमें जो शीट का हमने जब शुरू किया, एक तो काउंटा का ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ रेंज का ब्रैकेट शुरू हुआ, ये रेंज का बंद हो गया, तो अब हम काउंटा का बंद करेंगे। प्लस 1, तो प्लस 1 करने से क्या होगा कि काउंट करा इसने यहाँ से यहाँ तक, जैसे 2 काउंट करें तो प्लस 1 कर दिया हमने, तो एक और जोड़ देगा उसमें। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे हम नाउ का, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ का मतलब होता है ये करंट डेट टाइम दे देगा, कोमा। अब फॉर्मेट ले लेंगे हम DDMMMYYYY, यह खाली हमने ले लिया 2 बार वाई। तो पहले डेट मंथ, अब देखें आपने यहाँ पे फॉर्मेट का ब्रैकेट शुरू किया तो यहाँ उसको बंद कर देंगे, सिंपल। अब हम एक बार यूज़र फॉर्म को रन करते हैं तो देखेंगे आप 3 नंबर आ गया और यहाँ 19 फरवरी लिखा हुआ आ गया, 19 फरवरी 19।
हम चाह रहे हैं ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो हम इसमें वाई जो है 4 ही कर लेते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पे 19 फरवरी 2019 लिखा हुआ आ गया। अब ये हमने यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज कर लिया है, अब हम चाह रहे हैं अंकित करें इसको। अंकित करने का मतलब है इसको डेटा को सेव करना है हमने, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे। इसमें डेटा को सेव करते समय ये देखना है आपने कि शीट जिसमें आप डेटा सेव कर रहे हैं उस शीट का नाम क्या है, शीट कौन सी है, शीट 1। और अगर आप देखना चाहें तो उस शीट का नाम, अगर आपने कोई नाम रखा है तो उस शीट का नाम यहाँ पर भी आएगा। अब तो सेम वैसे ही नाम है उसके, तो ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिम सिंपल सी कमांड है, एक्स एज लॉन्ग, डिम वाई एज लॉन्ग, सॉरी वाई एज वर्कशीट। अब सेट वाई बराबर शीट 1। तो हमने वाई को ये बता दिया कि वाई है वर्कशीट और कौन सी शीट है, सेट कर दिया उसको शीट 1 पे। अब हम ले लेंगे कि एक्स बराबर वाई डॉट रेंज, वाई की रेंज। अब हम चाह रहे हैं ये ए कॉलम के अकॉर्डिंग ही पूरा डेटा को सबमिट करें, इसमें रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड xlab डॉट रो विद वाई। अब इसमें क्या होगा कि एक्स को ये बता देगा कि वाई की रेंज ए जो है उसको काउंट करना है, उसके लास्ट में आ जाना है। चाहे तो आप यहीं पे +1 भी कर लें, +1, तो यानी लास्ट में आने के बाद उससे अगली रो विद वाई डॉट सेल्स एक्स कोमा, अगर हमने यहाँ पर प्लस नहीं लगाया है तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, कोमा ए, यानी जो पहला कॉलम है, डॉट टेक्स्ट कर लेंगे, टेक्स्ट बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब इसको ही हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, ए की जगह बी कर लिया, बी की फिर सी कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। जब हम विद शुरू करते हैं तो उसको एंड विद भी करते हैं, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं एक बार। यहाँ पे क्लिक किया हमने, हमने यहाँ पे नाम लिखा, नाम लिखने के लिए फिर आप यहाँ से हिंदी कर लेंगे, नाम लिखा हमने शोभी, अंकित करें, तो इसने हमें एक डेबग दे दिया। अब देखें कई बार डेबग आ जाता है तो उसमें फिर हमने क्या करना रहता है उसकी मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। आपने इसमें डिबग में आ जाना है, जहाँ पे एरर होगा वहाँ येलो कलर का ये बन के आ गया कि यहाँ पे एरर है। अब क्या है, क्योंकि हमने वहाँ हिंदी का फॉन्ट वगैरह लिया है तो वो टेक्स्ट को उस फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू। वैल्यू लेने के लिए हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे यहाँ से इंग्लिश। अब हमने जो है यहाँ पर ले लिया वैल्यू, वो नीचे वाले में दिक्कत करेगा इसलिए यहाँ पर वैल्यू वैल्यू, तो ये वैल्यू ले लिया हमने, इसको रिसेट कर लिया। फिर चला के देखते हैं, अभी हम ऐसे ही अंकित कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे ये डाटा यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा करेंगे हम, अभी अंकित करने के बाद हम चाह रहे हैं ये जो है क्या है वही दोबारा आ रहा है, इसको ऐसे ही अंकित कर देंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, शीट में चलते हैं, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, फिलहाल इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमने इसमें डबल क्लिक किया, इसके बाद हमने करा कि मैसेज बॉक्स या अनलोड मी और यूज़र फॉर्म 2.show, यानी दूसरा यूज़र फॉर्म शो हो जाए। तो हमने ये डेटा लिया, देखें आपके सामने कर इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पे लिख लिया नाम असल में मैं
क्या है कि मैं मंगल फोन पे टाइपिंग करता नहीं, मैं कुर्ती देव में जानता हूँ, तो इसलिए मुझे समय लग रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे संख्या भी ज़्यादा हो गई, फिर अंकित कर देते हैं तो फिर ये 5 नंबर यहाँ पे आ गया, वो वहाँ पे ऐड होता रहेगा। अब दोबारा खोलने के लिए हमने जो कोड लगाना है वो ये लगाना है कि अनलोड अनलोड मी और यूज़र फॉर्म 2.show। तो इसमें हमने क्या करना है, ये कमांड जो हमने बनाई ये तो अनलोड मी यानी कि जो यूज़र फॉर्म ओपन है वो बंद हो जाए, और यूज़र फॉर्म 2.show बंद होने के बाद यूज़र फॉर्म 2 शो हो जाए। बंद करें में सिंपल हमने इसमें क्या करना, अनलोड मी। अब देखें, अब हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए खोजें और संशोधन करें। तो खोजें इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स 4 है इसके अकॉर्डिंग हम खोजेंगे, यानी यहाँ पे जो हम डालेंगे उसको खोजेंगे। तो खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी ढूंढने के लिए या सर्च करने के लिए, पहले कॉलम से जैसे हम सर्च करेंगे 1 2 से, तो हम इसमें आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर लिखा हमने डिम एक्स एज लॉन्ग, डिम वाई एज लॉन्ग। एक्स की वाई की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं कि एक्स से ही कोई स्पेशल वो है। और हमने यहाँ दे दिया कि एक्स बराबर शीट 1 की डॉट रेंज ए एंड रॉ डॉट काउंट डॉट एंड xlab डॉट रॉ, और फॉर वाई बराबर अब ये जहाँ से हमने नीचे तक लेना है 6 to 1000, तो 6 या 2x, 1000 का मतलब है x जो है वो लास्ट वाले कॉलम तक है, तो x आ जाएगा। 1000 हो या वो 5 तक 10 तक जहाँ तक भी हो। अब हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट, इससे पहले हम लगाएंगे इफ शीट 1 डॉट सेल्स वाई कोमा, और आपका ए में है जहाँ हमारा डाटा है वो सर्च हमने ए से करना है, तो ए डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। देन तब क्या हो, यदि शीट 1 के जो सेल है वाई और कॉलम है ए, यानी कि वाई का मतलब ये हो गया वो जितने एरिया में, वाई का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमारा जितना डाटा है तो वो 6 A6 से लेकर, यानी A6 से लेकर A9 तक इस दौरान, और कॉलम कौन सा, पहला ए डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। देन अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट ही लिखना है, देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर शीट 1 डॉट सेल्स। अब यहाँ पे रॉ में ले लेंगे हम वाई कोमा ए, इसी की कॉपी कर लेंगे अब लास्ट तक, इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के नाम बदल देंगे 2 3 B C। इसके बाद जब हम इफ़ शुरू करते हैं तो उसको एंड इफ़ कर देंगे, और जहाँ लूपिंग शुरू करते हैं फॉर वाई जैसे, तो उसको नेक्स्ट वाई कर देंगे। अब देखें मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 खोजेंगे, अभी इसने हमें यहाँ पे दे दिया है 5। इसको हम एक बार टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ये हिंदी में है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। ये देखेंगे ये आ गया ना,
टू थ्री फोर। अब क्या है, डेट आज की ही पड़ी हुई सब जगह, इसलिए वो डेट सेम ही आ रही। ये अभी मैं वन करता हूँ तो वन आ गया। अब हम इसको एडिट, यानी मान लीजिए जो हमने ढूंढा उसको अपडेट कैसे करें, तो संशोधन करें पे डबल क्लिक करेंगे। बस आपने ध्यान ये देना है कि हमने जो इससे पहले सर्च बटन बनाया है, ये वाला सर्च बटन की कमांड है, इसको ही आपने कॉपी कर लेना पूरे को, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसका, और इसको पेस्ट कर लेंगे हम। इसको पेस्ट कर लेंगे, सब चीज़ सेम रहेंगी। बस यहाँ से आपने क्या करना है, इस डेटा को माउस से उठाना है, शुरू में लेना है, यानी शीट वन जो पहले डाटा टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा था, अब वो टेक्स्ट बॉक्स का डाटा उस शीट में पहुँचेगा। अब वो उसमें पहुंचेगा। देखें, हमने यहाँ पे लिखा वन, खोजा हमने परवेज आलम, तो इसकी जगह मैं श्री लगाना चाहता हूँ, तो मैं ले लूँगा श्री परवेज आलम। संशोधन करें तो आप देखें बैकग्राउंड में यहाँ पे श्री आ गया। अब मैं फिर श्री हटा रहा हूँ, फिर मैं संशोधन में क्लिक कर रहा हूँ, तो वो वहीं पर ही अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो यूज़र फॉर्म बनाया, इसमें देखें आपने हिंदी में वर्क हुआ, हिंदी में ही चलाइए। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि इसमें हिंदी, पंजाबी या जो भी आपका फॉन्ट है वो। अब मैं इसमें आपको बहुत ही मेन पार्ट बता रहा हूँ इसका, अब मैं इसका बहुत ही मेन पार्ट बता रहा हूँ कि इसको हमें सेव कैसे करना है। सेव करते समय अधिकतर लोग बाग गलती कर लेते हैं, तो जब भी आप फाइल को सेव करें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ये हिंदी यूज़र फॉर्म के नाम से सेव है, तो मैं इसको सेव एज करूँगा तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यूज़र फॉर्म इन हिंदी इन एक्सेल किसी भी नाम से सेव कर लूँ मैं, लेकिन मैक्रो एनेबल वर्कबुक में आपने सेव करना। अगर आप वर्कबुक में सेव कर देंगे तो क्या होगा, जो हमने कोडिंग की है, जो विजुअल बेसिक में जाके, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सेव करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, तो ये डेटा आपका सेव हो गया। अब हम यूज़र फॉर्म विजुअल बेसिक में जाए बिना कैसे खोलें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से हमने कोई सा भी एक बटन ले लिया, ये बटन ले लिया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए किसी और फॉन्ट में लिख रहे हैं, जैसे मैं कुर्ती देव में लिख लेता हूँ, यूजर फॉर्म को खोलें। अब इसमें आपने राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में आना है, न्यू में आ जाना है आपने, और यहाँ पे आप यूज़र फॉर्म टू, क्योंकि पहला तो हमारा दूसरा था, डॉट शो कर लेंगे। आपने ये ध्यान देना है कि जब आप यूज़र फॉर्म डॉट लगाएं तो ये पूरा मेनू आना चाहिए। अगर हमने क्या करा है, जैसे मैंने यूज़र फॉर्म डॉट शो कर रहे हैं, तो वो यूज़र फॉर्म है ही नहीं जिसका आप बना रहे हैं, टू डॉट शो। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, इसमें आपने क्लिक किया, आपका यूजर फॉर्म खुल के आ गया। इसमें क्लिक किया, जो मैंने पहले बना रखा था वो खुल के आ गया। अब आप इसके कलर वगैरह जो है उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप उसको एक एक ऑप्शन देखेंगे, उसमें कलर का भी ऑप्शन है कि बैकग्राउंड कलर, वो सिंपल ही है,
वो आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और पसंद आए तो लाइक तो करें आप ज़रूर, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमारे ये वीडियो आगे चलेंगे, आगे लोग देखेंगे, तो हम भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाके देते रहेंगे। और मैं आजकल कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं रोज़ एक दो वीडियो आपको दूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। अभी मुझे रात में बैठ के काम करना पड़ रहा है, पूरी पूरी फुल लगभग 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप हमारी जो कोशिश है इसको, मतलब हमें भी अपना प्यार दें जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकें, हमें भी मेहनत करने में मज़ा आए और आपको सीखने में मज़ा ज़रूर आएगा, ये बात तय है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो को आपने पूरा देखा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक अगले वीडियो में, जिसमें कुछ और हम इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, कोई नया प्रोग्राम बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, आपको ज़बरदस्त चीज़ सिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।